हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ का हिंदी में पाचा नन्ना फनकार पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। सबसे पहले बच्चों, हम कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले ये हमारा क्या है बच्चों, इधर हमें दिया है ये शब्द हैं और ये क्या है, अर्थ है, ठीक है? फनकार, फनकार का मतलब क्या होता है बच्चों, कलाकार। चौकोर का मतलब क्या होता है, चौरस या चार कोने वाला। नक्काशी मतलब होता है बेल बूटे आदि उकेरने का काम। संदेह का मतलब होता है शक। पुस्तैनी मतलब होता है पूर्वजों का। किरचे मतलब होता है पत्थर के बारीक टुकड़े। छितराना मतलब होता है बिखरना या फैलाना, ठीक है? बिखरना भी कह सकते हैं, फैलाना भी कह सकते हैं। संगत रास मतलब होता है पत्थर को तराशने वाला, ठीक है? नफीस का मतलब होता है बारीक। तलखी का मतलब होता है करवाहट। अंग रखा मतलब होता है घुटने तक का खुला वस्त्र। अब बच्चों, इससे आगे के कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे हम। क्या है इसके आगे जो कठिन शब्द हैं, असमंजस मतलब होता है दुविधा। शिल्पकार मतलब होता है कारीगर, उसे क्या कहते हैं, कारीगर। शकपकाना मतलब होता है चकित होना। मझोला मतलब होता है मध्यम ऊंचाई का। त्योरियाँ चढ़ना मतलब होता है क्रोध से माथे पर बल पड़ना। उनीदी का मतलब होता है नींद से भरी हुई। मुआयना मतलब होता है जांच पड़ताल, ठीक है बच्चों? ये तो आपने कठिन शब्दों के अर्थ को जाना, ठीक है? इसे बच्चों, अब हम सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, सही उत्तर है उस पे हम सही का निशान लगाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको पहला नंबर पे, लड़का किस रंग के पत्थर पर काम कर रहा था, नीले हरे या लाल। तो बच्चा किस पे काम कर रहा था बच्चों, वह लाल रंग के पत्थर पर काम कर रहा था। दूसरा दिया है, लड़की के माता पिता कहाँ से आगरा आए थे, गुजरात से, दिल्ली से या लखनऊ से। तो कहाँ से आए थे बच्चों, गुजरात से। गुजरात पे सही का निशान लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, इस पे आप गुजरात पे सही का निशान लगाएंगे। आगे दिया है, केशों के सामने कौन आकर खड़ा हो गया, तानसेन, सिपाही या बादशाह अकबर। तो क्या है इसका उत्तर, बादशाह अकबर। उस पे आप सही का निशान लगाएंगे, बादशाह अकबर पे। बादशाह अकबर कहाँ महल बनवा रहे थे, दिल्ली में, आगरा में या सीकरी में। तो कहाँ बनवा रहे थे, सीकरी में बनवा रहे थे, ठीक है बच्चों? बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अच्छे विचार, ठीक है? इसे आप हिंदी की राइटिंग की कॉपी बना लें, ठीक है? जिसमें पहले भी आप काम कर रहे हैं उसी पे ये राइटिंग करेंगे, और जो मैं दे रही हूँ उसे आप एक पेज रोज़ राइटिंग लिखेंगे। जो मैं दूंगी इसी को एक दिन एक पेज लिखेंगे। जब अगले वीडियो में आपको दूंगी तभी आप अगला लिखेंगे, ठीक है बच्चों? उस पर डेट डालेंगे और ये राइटिंग लिखेंगे, ठीक है? मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फांसले होते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसी को आप पूरी कॉपी में लिखेंगे। ये नहीं कि आपने जितना मैंने इस पे दिया है ना उतना ही लिख के छोड़ दें, आप पूरी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे, ठीक है? जितने भी मैंने कठिन शब्दों के अर्थ कराए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं, सबको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे, ठीक है बच्चों? थैंक यू बच्चों।